Mangal Maitri Kids. Today we are starting chapter number 3, From Tasting to Digesting. Hope you have completed all the work of chapter number 1 and 2. So today is our new chapter, and in this chapter we will learn about the process of digestion, how the foods enter in our mouth, and how the digestive organ help in the process of digestion. For this, you have to first understand what you mean by digestion. बेटा, digestion एक ऐसा process है जिसके द्वारा हमारे जो digestive organs हैं वो food को छोटे छोटे forms में, simpler forms में break कर देते हैं, और जब वो break हो जाता है food तो वो easy हो जाता है digest होने में, और उससे जो भी हमारे उसको एनर्जी मिलती है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, और वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र हो जाती है. यू कैन सी हियर टू चेंज फूड इन योर स्टमक सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. आहार को पचाना, शरीर द्वारा पोषण प्राप्ति के लिए आहार का रूपांतरण. ठीक है, अब आप ये सोचिए कि वो फूड सबसे पहले जब हम उसे ईट करते हैं तो हम कहाँ से उसे ईट करते हैं? Yes, we eat the food from our mouth. और जैसे ही हम उस फूड को अपने माउथ में लेते हैं, वैसे ही जो हमारे टीथ होते हैं वो उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारी मुंह की लार होती है जिसे हम सलाइवा कहते हैं वो हमारे उस फूड में मिलकर उसको सॉफ्ट बना देती है. जिससे अब देखिए दो चीज़ें हो गई, दांतों ने ब्रेक किया फूड को, छोटा छोटा फूड हो गया, और सलाइवा ने उसको सॉफ्ट बना दिया. तो दोनों ने मिलके अब हमारी जो फूड पाइप है वहाँ से छोटे फॉर्म में फूड सॉफ्ट होके फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक में. अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मुँह से टीथ में गया, तो टीथ हेल्प चू द फूड. सबसे पहले टीथ ने चू किया, फिर सेकंड नंबर पे देखिए, सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट. ये आपको दिख रहा है, मुंह में सलाइवा है, ये फूड को क्या बना दे रहा है? सॉफ्ट बना दे रहा है. फिर आपकी जो टंग है, ठीक है, ये जो आपको टंग दिख रही है ये कैसे हेल्प करती है आपको? चार वेज में हेल्प करती है. ठीक है, टंग का भी रोल है मुँह में. माउथ फूड डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से स्टार्ट हुआ, तो किस किस का रोल हो गया? टीथ का, आपकी सलाइवा का, और फिर टंग का. टंग क्या करती है ये भी देख लेते हैं. हेल्प्स द फूड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फॉर प्रॉपर च्यूइंग. आपकी टंग फूड को शिफ्ट करती रहती है जिससे वो बराबर मात्रा में प्रॉपरली च्यू हो सके, मूव हो सके, और सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए. हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड. जो आपकी मुँह की लार है, जीभ उसको क्या करती है? उस सलाइवा को जीभ जो है रोटेट करती रहती है जिससे वो सलाइवा पूरे फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और वो हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक पहुँच जाए. तीसरा फंक्शन देखिए, पुशेस बैक द फूड फॉर सॉलोइंग. आपका जो फूड आपने खाया उसको पुश भी करती है टंग जिससे वो आपके फूड पाइप से चला जाए. और चौथा फंक्शन, हेल्प्स टू टेस्ट द फूड. आपका जो फूड है, आपको पता है टंग के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, और वो टेस्ट बर्ड हेल्प करते हैं हमें फूड का टेस्ट पता लगाने में. अब देखिए बेटा, माउथ से कहाँ आया फूड? फूड पाइप में. ठीक है, यहाँ पे आपको फूड पाइप मैं दिखा रही हूँ. ये देखिए, ये फूड पाइप है आपकी, यहाँ लिखा भी हुआ है फूड पाइप. माउथ से गया फूड फूड पाइप में, और फूड पाइप के बाद आता है स्टमक में. ये देखिए, ये आपको दिख रही है स्टमक. अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम, जो आपके फूड में मिक्स होके आपके फूड को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपको जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये है आपका लीवर. ठीक है, ये भी आपका कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? स्टमक से भी कनेक्टेड है लीवर, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. ये देखिए, ये छोटी आंत है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो फूड ये आपकी स्टमक से एक पाइप जाता है. ठीक है, एक ओपनिंग है जो आपकी सीधी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाती है, और यहाँ से स्टमक से फूड कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर, व्हाट द स्मॉल इंटेस्टाइन डू? जितना भोजन स्टमक ने पचाया अभी भी
फूड ऐसा है जो कुछ अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं फूड के साथ और उसको सिंपलर बना के अब ये फूड जो है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जितना भी पार्ट इसका है कुछ लीवर को भी चला जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये आपको दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे ये हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हुआ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब यहाँ देखिए आपने पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समझा कि कैसे माउथ से फूड पाइप से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो किसको दे देती है, लार्ज इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम के रास्ते वो फूड हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है बाहर, ठीक है। और जो एनर्जी वाला पार्ट है वो जो भी जूसी पार्ट है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड से वो पूरे जो एनर्जी है एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में हो जाता है। अब ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी में भी जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन कोई प्रॉपर वर्क करते हैं तो वो एक सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सारे ऑर्गन्स किस काम में लगे हैं, डाइजेशन के काम में लगे हैं। अब ज़रा हम ये जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हमारा माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। ये सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। अब यहाँ देखिए आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि वन गर्ल इज़ ऑन द बेड एंड इसको क्या लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको एक ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ी हुई है। आपने कभी ना कभी किसी को देखा होगा या आपने कभी बच्चे आपको कभी आप बहुत ज़्यादा वीक हुए होंगे तो आपको ये ग्लूकोज ड्रिप लगती है। तो व्हाट इज़ बेसिकली ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एनर्जी का फॉर्म है ना। तो जब हमारी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी, जब आपने देखा होगा कई बार आप में से बहुत से लोगों को ये सिचुएशन आई होगी कि आपको लूज मोशन हो गए है ना, आपको वॉमिट हो रही है, आप कुछ खा रहे हैं, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप पानी पी रहे हैं तो भी आपको वॉमिट हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी से जो भी नेसेसरी सॉल्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करती। तो हम ग्लूकोज दिया जाता है, किस फॉर्म में दिया जाता है, लिक्विड ड्रिप चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो सीधे हमारी ब्लड में मिल जाती है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ हम इसको पढ़ेंगे, नीतू वॉज वेरी सिक, ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, ठीक है। सारा दिन उसको उल्टी हो रही है, नीतू नाम की बच्ची आप देख रहे हैं, और लूज मोशन भी हो रहे हैं। वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड, जो भी वो खाती थी उसको वॉमिट हो जाती थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, जो हम नमक और चीनी का घोल देते हैं ORS सोल्यूशन बोलते हैं, उसके पापा ने उसको घर पे वही दिया। बाय इवनिंग, शाम तक नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, बहुत शाम तक उसकी हालत ख़राब थी। वेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुई तो उसको चक्कर आ गए। Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. Doctor ने क्या कहा कि भाई इसको hospital में admit करा दो, she is very weak. She needs to be given a glucose drip. अब उसको glucose drip देने की ज़रूरत है। She knew that during the games period in school, the teacher sometime gave them glucose drink. उसको याद आया नीतू को कि जब मैं स्पोर्ट्स पीरियड में या गेम्स में स्कूल में खेलती थी तो कभी कभी हमारे टीचर्स हमें गेम्स पीरियड में ग्लूकोज देते थे खाने के लिए। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, अब उसको ग्लूकोज ड्रिप का तो नहीं पता था। तो डॉक्टर आंटी जो थी आप देख रहे हैं इधर, उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारी स्टमक ठीक नहीं है, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारी बॉडी जो है फूड और वाटर को नहीं रख पा रही
रही है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। जो तुम कुछ खा रही हो तो वो बॉडी उसको नहीं रख पा रही है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। अब तुम कुछ नहीं भी खाओगी तो ग्लूकोज सीधा तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा, और तुम्हें अगर तुम नहीं भी खाओगी तो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। तो देखा बेटा आपने, ग्लूकोज ड्रिप कितना कारगर तरीका है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने का। ये देखिए आप देख रहे हैं, एक तरफ सिंपल ग्लूकोज है और एक तरफ सिंपल ड्रिप है। अब जो हम सिंपल ग्लूकोज खाते हैं और ग्लूकोज ड्रिप, उन दोनों में बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, जो हम ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में खा लेते हैं वो क्या होता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि वो सबसे पहले आप उसे मुँह से खाओगे, है ना, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, है ना, तब आपको थोड़ी देर बाद एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इट टेक्स सम टाइम टू गिव यू एनर्जी। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है, ग्लूकोज की ड्रिप सीधी आपके नस में लगाया जाती है वो ड्रिप, और वो जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है, आपके सीधे ब्लड में जाता है। तो ये देखिए, आपको गिव इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज ड्रिप को लगाया जाता है। अब यहाँ आपको एक रिविजन वर्क दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 3 का। टुडे यू हैव टू डू ऑल दिस रिविजन वर्क इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें आपके 7 फिलअप्स हैं, यू विल राइट ऑल दिस 7 फिलअप्स इन योर नोटबुक, लर्न देम। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस है, यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नोटबुक। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इन सब तीनों के तीनों क्वेश्चंस को यू विल राइट दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक नीटली एंड लर्न देम। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।